हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब महाभारत युद्ध या द्वापर युग की बात मन में आता है तो प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता की छवि स्वतः दिमाग में आ जाते हैं। कैसे वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में हर प्रकार से अर्जुन का सहायता किए थे और कैसे पांडवों की जीत हासिल करने में मदद किए थे। बाकी दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, वह फिर सुभद्रा की एक प्रतिज्ञा के कारण। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये इतनी भयानक युद्ध हुआ था कि जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक अस्त्र का प्रयोग किए थे। दोस्तों, श्री कृष्ण अपनी सुदर्शन चक्र और अर्जुन अपनी पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। दोस्तों, दरअसल एक बार ऋषि गालब ध्यान पर बैठे हुए थे, तभी आकाश से जा रहे चित्रसेन के थोक ऋषि पर गिरी। गालब ऋषि बहुत क्रोधित हुए, परंतु ऋषि उसे श्राप नहीं दे सके क्योंकि ऐसे करने से उनका तप भंग हो सकता था। अपने ध्यान समाप्त होने के पश्चात ऋषि श्री कृष्ण के पास गए और सारी बात उनको बताई। श्री कृष्ण ने चित्रसेन को 24 घंटे के अंदर वध करने की प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, नारद जी को जब इस बात का पता चला तो वो सीधा चित्रसेन के पास पहुंचे और उसे संकेत दे दिया कि उसकी मृत्यु समीप है। नारद जी ने चित्रसेन को बताया कि वासुदेव श्री कृष्ण ने उसे मारने की प्रतिज्ञा ली है। चित्रसेन ने यह सब सुनकर घबरा गया और नारद जी से मदद की गुहार लगाने लगा। तब नारद जी ने इस संकट से निकलने का रास्ता खोजा, जिसके अंतर्गत चित्रसेन को जमुना तट पर जाना था और आधी रात को एक स्त्री के आने पर जोर जोर से रोना था। परंतु चित्रसेन को एक बात का ध्यान रखना था कि जब तक वह स्त्री कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा नहीं ले लेती, तब तक उसे कारण नहीं बताना है। दोस्तों, नारद जी के योजना के अंतर्गत चित्रसेन जमुना तट पर जाकर उस स्त्री के आने का इंतजार करता है। दोस्तों, इधर नारद जी फिर इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सुभद्रा से कहा कि अगर आज आधी रात को जमुना में स्नान किया तो पुण्यों की प्राप्ति होगी। जब रात्रि में सुभद्रा अपनी सखियों के साथ जमुना किनारे पहुंची तो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुभद्रा जल्दी से जहां से आवाज़ आ रही थी उस तरफ को गई तो देखा चित्रसेन विलाप कर रहा है। सुभद्रा के द्वारा कई बार पूछने के बावजूद चित्रसेन ने कुछ नहीं बताया। दोस्तों, दरअसल चित्रसेन अर्जुन का मित्र था। यही सोचकर सुभद्रा ने उससे वादा किया कि वह उसकी दुविधा से उसे अवश्य निकालेगी। दोस्तों, इसके बाद जब चित्रसेन ने सारी कहानी सुभद्रा को बताई तो वह घबरा गई, क्योंकि एक तरफ श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा। फिर सुभद्रा चित्रसेन को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गई और अर्जुन को सारी कहानी बताई। अर्जुन ने बहुत सोच विचार कर सुभद्रा को आश्वासन दिया कि उसकी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। दोस्तों, तब नारद जी ने अर्जुन के इस फैसले पर प्रश्न किया तो अर्जुन ने उत्तर में कहा, मैंने आज तक जितना भी ज्ञान, विद्या और बल प्राप्त किया है, ये केवल श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है। उनका सिखाया हुआ धर्म मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहता है, तो मैं अवश्य प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। बाकी सब उनके हाथ में है। दोस्तों, ये सब बात नारद जी ने श्री कृष्ण को जाकर बताया और युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कई घातक अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अर्जुन के हर एक अस्त्र का काट श्री कृष्ण के पास था। जब अर्जुन का पूरे अस्त्र खत्म हो जाता है तब भगवान भोलेनाथ से प्राप्त पाशुपतास्त्र का प्रयोग करता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अर्जुन की ओर प्रहार करते हैं। ये दोनों अस्त्रों के टकराने से सारे संसार में अंधकार छा गया। दोस्तों, तब अर्जुन भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। फिर महादेव वहीं प्रकट होकर दोनों अस्त्रों को शांत करते हैं। भगवान शिव फिर श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, हे वासुदेव, आप तो अपने भक्त की बात को आगे रखकर अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हो, अतः हे वासुदेव, ये द्वंद्व को यहीं रोक दो। श्री कृष्ण ने यह सुनकर युद्ध पर विराम लगाया और अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। दोस्तों, इसी प्रकार भगवान शंकर के आने से चित्रसेन के जान भी बच जाते हैं और श्री कृष्ण की लीला भी यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, वास्तव में ये श्री कृष्ण के द्वारा रची गई एक लीला थी। आगे जाकर जो महाभारत युद्ध होने वाला था, जिसमें अर्जुन को अपने रिश्तेदार, गुरु, भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना था और अपने कर्तव्य को पूरा करना था। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसे और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।